स्वागत है खूबसूरत पुणे में और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है दी आगा खान पैलेस और, विद और 18 सीजन टू, महाराष्ट्र टूरिज्म में हम सिर्फ आपको पेट भरने के लिए खाना नहीं दिखाते हैं। हम आपको स्पिरिट आत्मा और दिमाग तीनों की एवोल्यूशन के लिए दिखाते हैं बहुत खूबसूरत जगहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है पुणे में जहां पे 1892 में एक ड्राउट था तो वहाँ पर हज़ार लोगों को फुल वेजेस पे एम्प्लॉय करके सुल्तान मोहम्मद शाह जो कि खोजा इस्माइली रिलीजन सेक्ट के लीडर थे उन्होंने बनाना शुरू किया ये पैलेस उस पाँच साल में फुल वेजेस देकर ये शानदार पैलेस हो गया तैयार लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इस पैलेस ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इंडिया की इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में तो वो रोल क्या है और आगा खान पैलेस से लेकर नेशनल गांधी मेमोरियल ये जर्नी कैसे तय हुई अंदर जाके आपको और बताते हैं और दिखाते हैं तो सिचुएशन अब यह है कि सारी दुनिया युद्ध में इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर टू इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी क्या सोचेगी कैसे आगे बढ़ेगी बिग क्वेश्चन ब्रिटिशर्स ने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर जाना चाहिए इंग्लैंड के साथ इन द वॉर इन द ग्रेट वॉर वर्ल्ड वॉर टू लेकिन विनोबा भाबा जो थे उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा और गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने बाबू भी थे उनकी कंडीशन जो उनका जो अप्रोच था वो ये था कि एक तरफ एलाइज हैं डेमोक्रेसी फेयर प्ले जस्टिस और एक तरफ इंपीरियलिस्ट फोर्सेज हैं टोटेजम तो की आई थिंक टोटलीटेरिज्म की फोर्सेज हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सी चॉइस ज़्यादा बेहतर होगी तो इवन दो अगेंस्ट द तो वॉर गांधी जी ने डिसाइड किया कि सपोर्ट इंग्लैंड की आर्मी को करना चाहिए एल आई इसको पर पहला प्रपोजल ये था कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं जापानीज फोर्सेज जो इंडिया के गेट पर हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं सफिशेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन था डू और डाई यानी करेंगे या मरेंगे सोल्जर्स ऑफ पीस एंड सत्याग्रह सबको बोला गया एक कागज़ दीजिए उस पर लिखिए डू और डाई और अपने साथ रखिएगा और अहिंसा का पाठ कभी नहीं छोड़ना एट्थ अगस्त नाइन्टीन को महात्मा गांधी गए वाइस हाउस से मिलने और उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना था क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा लेकिन नाइन्थ तो ऑफ अगस्त को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो गायब हो गए लोगों ने सोचा शायद वो अफ्रीका चले गए शायद उन्हें कहीं और ले गया ले जाया गया है लेकिन वो पहुंच चुके थे पूना और वो थे अब इस पैलेस में इमप्रेजेंट बाबू के अरेस्ट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट ने पकड़ लिया जोर हज़ारों प्रोसेशन सारे देश के आसपास चलनी शुरू हो गई जहाँ पर लोगों का मोटो था क्विट इंडिया या डू और डाई करेंगे या मरेंगे और इससे ब्रिटिश काफ़ी घबरा गए नाइन्थ ऑगस्ट 1942 को सिर्फ बापू नहीं और भी कई लीडर्स को अरेस्ट किया गया था सरोजनी सिंह नायडू जी जो थी वो यहाँ पे प्रजेंट थी फ्रॉम नाइन्थ ऑगस्ट 1942 फोर्टी टू टू ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन फोर्टी थ्री जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब होने के कारण उन्हें यहाँ से रिलीज कर दिया गया तो बापू के साथ नाइनटीन फोटी टू से लेकर नाइनटीन फोर्टी फोर तक बा भी इसी कमरे में प्रेजेंट थी इसी कॉम्प्लेक्स में और ट्वेंटी सेकेंड फेबररी नाइनटीन फोटी महाशिवरात्रि के दिन उनकी मृत्यु हो गई इसी रूम में बापू तो यहाँ प्रेजेंट थे ही बाकी भी मृत्यु यहीं पर हुई और महादेव देसाई जो बापू के सेक्रेटरी भी थे उनके बहुत पुराने दोस्त भी थे उनकी भी मौत यहीं पर हो गई तो इस सिचुएशन में आ, जो ये जगह थी ये बहुत हिस्टोरिकल रेलेवेंस पा जाती है और ये जो पैलेस था 1969 में द फोर्थ आगा खान जो है उन्होंने एज़ अ मेमोरियल ये पैलेस डोनेट किया बापू की याद में टू बी मेड इन टू अ म्यूज़ियम और आज ये बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है इंडिया की हिस्ट्री इंडिया की इंडिपेंडेंस अगर आप उसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहें और जानना चाहें कि बापू का क्या रोल था उस टाइम क्या चैलेंजेस थे इंडिया के सामने तो आप यहाँ पर आके ज़रूर देखें बापू को जितना समझा जाए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की फाउंडेशन जो है उनको समझा जाएगा अहिंसा को देश की तरक्की देश को आगे कैसे बढ़ना चाहिए ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक हिस्ट्री का पीस बापू की लंबे एफर्ट का फ्रीडम स्ट्रगल का थोड़ा सा पीस आपके लिए यहाँ पर एक फिगर आउट हो जाएगा आपको यहाँ पर आकर तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पैलेस है बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड हैं बहुत शानदार अगर पुणे में कभी आएँ पुणे में कभी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आकर इस पैलेस को चेकआउट करें ये मेरी आपसे एडवाइस है और बापू के वर्ड्स जितने आप पढ़ेंगे जितना उनके बारे में सोचेंगे उतने आपको वो ज़्यादा अच्छे और महत्वपूर्ण लगेंगे रिमेंबर दैट